वायरस के चलते आम लोगों को और खास करके निचले वर्ग के लोगों को राशन के लिए हर दिन इंतजार करना पड़ता है कि कोई तो मसीहा बनकर आए और उन्हें भूख से आजाद करे। इसी के चलते एक नाम सामने आया है जो कि है सुरभि वर्मा का, जो कि हर रोज इसी कोशिश में लगी है कि लोगों तक राशन पहुँचाया जा सके। सुरभि वर्मा कांग्रेस की सीनियर लीडर है। उन्होंने आज राजकुमार वेरका को भी उनके वार्ड के लिए 150 के करीब आज राशन के पैकेट दिए और कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी भूखा है तो वो भूखा ना रहे। मनोज भगत की रिपोर्ट, लाइव अमृतसर। घर में मिस्टर राजकुमार जी आए हैं, वेरका जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस कोविड की महामारी में वो बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद कर रही हैं और मैं भी उनका साथ दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उनका साथ देने के लिए कि इस महामारी में जो गरीब लोग हैं उनके घरों में हम राशन पहुँचा सकें और कोई भी जो गरीब है वो भूखा ना सोए। और हमारी जो सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, चीफ मिनिस्टर जी का भी यही हमें आदेश है कि पंजाब में कोई भी व्यक्ति जो है गरीब जो है भूखा ना सोए और उसकी मदद की जाए। और हम सब, हमारे सब भाई एमएलए साहबान, मंत्री साहब, सब बहुत बढ़ चढ़ कर सबकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। आज मैं सुरभि वर्मा जी के यहाँ आया हूँ और पवन वर्मा जी, कार्तिक जी, ये सब मैं देख रहा था कि कैसे गरीबों की मदद कर रहे हैं और घर घर में ये अनाज पैदा पहुँचा रहे हैं और सब लोगों की मदद कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक मैसेज पूरे पंजाब में नहीं, पूरे देश में फैला रहे हैं। और सुरभि वर्मा, क्योंकि कृष्ण भगत है और कृष्ण ने जैसे सुदामा को हमेशा प्रसाद बांटा है, ये भी अपना प्रसाद पूरे अमृतसर के लोगों को ये राशन बांट रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मैं इस फैमिली का, इस परिवार का धन्यवाद करता हूँ और अमृतसर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आओ, सीखो और देखो सेवा क्या होती है। सेवा इंसान का धर्म होना चाहिए, सेवा इंसान का फर्ज होना चाहिए। आज अपने फर्जों की पूर्ति करिए और ये जिम्मेवारी निभाइए कि आपके आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, ये हम सबकी जिम्मेवारी रहनी चाहिए। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।